सोया चंक्स मंचूरियन बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप सोया चंक्स लिया है, जिसे ठंडे पानी में आधे घंटे से भिगो कर रखा है। आप ये देख सकते हैं अच्छे से फूल चुका है। कॉर्नफ्लोर पाउडर 2 टेबल स्पून, मैदा 2 टेबल स्पून, अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च लिया है जिसे लंबे साइज में काट लिया है, कुछ लहसुन की कलियाँ लिया है इसे भी लंबे साइज में काट लिया है, 1 प्याज को स्क्वायर में काट लिया है, आप ये देख सकते हैं, 1 शिमला मिर्च को लंबे साइज में काट लिया है, स्प्रिंग ऑनियन और इस स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट हम लोग गार्निश में यूज करेंगे, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, चिकन मसाला पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार, सोया सॉस लिया है यहाँ पर हमने, टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस, वेनेगर लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा बाउल लेंगे और जो सोया चंक्स को हमने डुबो के रखा था पानी में उसे उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे, हाथ से निचोड़ के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे, ऐसे हाथों से दबाते हुए आप देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं हमने इस सारे का एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया। अब हम लोग इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर मिक्स करेंगे, मैदा डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी काली मिर्च, सोया सॉस डालेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस डालेंगे 1 टीस्पून। अब हम लोग इसे पानी की हेल्प से थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना, आप देख सकते हैं मैंने कितने कम पानी का यूज किया है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो चुका है, अब हम लोग कवर को हटाते हैं, ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब चलते हैं हम लोग फ्राई करने। तो गैस ऑन करेंगे और एक पैन चढ़ाएंगे। अब हम लोग इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, सोया चंक्स को हमें डीप फ्राई करना है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसमें सोया चंक्स को डालेंगे, एक बार में जितना आ सकता है हम लोग डाल लेंगे। अब हम लोग इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। ये हो चुका है, अब हम लोग इसे एक टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। निकाल लिया, इसी तरह हम लोग सारे सोया चंक्स को फ्राई कर लेंगे। नहीं, आप देख सकते हैं हमने सारे सोया चंक्स को फ्राई कर लिया है, ये कितना क्रिस्पी हुआ है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में। तो क्या करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और वापस से वही तेल यूज करेंगे हम लोग जो फ्राई में यूज किए थे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसमें लहसुन की कलियाँ डालेंगे जो लंबे साइज में काटा था, इसमें हरी मिर्च डालेंगे, में अदरक डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता हम लोग बाद में इसलिए डालते हैं ताकि ये जले नहीं। अब हम लोग इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, मिक्स कर देंगे, इसमें प्याज डालेंगे, स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
फ्लेम को हम लोग यहाँ पे हाई रखेंगे और इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब हम लोग इसमें बाकी का मसाला डाल लेते हैं, जैसे जीरा पाउडर, चिकन मसाला, गरम मसाला मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम लोग इसमें टोमेटो सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, इसमें वेनेगर डालेंगे 1 से 2 टीस्पून, अब हम इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसमें ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ही डालें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा मिर्च गया है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें काली मिर्च डालेंगे। अब हम लोग इसमें सोया चंक्स डालेंगे जो फ्राई करके हमने रखा था। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये बनके तैयार हो चुका है। अब हम लोग फ्लेम को ऑफ करते हैं, अब इसे सर्व करेंगे। ये हमने इसे सर्व कर लिया है, अब हम लोग इसे स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय। यम्मी।